नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, विद्यालयों के निरीक्षण और अनुश्रवण के संबंध में महानिदेशक महोदय का एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसके अनुसार दिनांक 13 मार्च से 31 मार्च तक फिर दोबारा से विद्यालयों के निरीक्षण होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर निरीक्षण के बारे में क्या क्या विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजन निदेशक कार्यालय से ये आदेश आया है 6 मार्च 2023 को। सेवा में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला बेशिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, विद्यालयों के नियमित निरीक्षण एवं अनुसरण किए जाने के संबंध में। महोदय या महोदया, कृपया उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षित के पूर्व पत्रों का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दिनांक 18 जुलाई से 31 दिसंबर 2022 के मध्य विशेष निरीक्षण अभियान चलाने का निर्णय लेते हुए आपको निर्देशित किया गया था कि जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला समन्वयक को प्रतिदिन प्रातः 6 बजे जिला मुख्यालय पर बुलाकर उन्हें चिन्हित विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराते हुए जनपद के दूरस्थ 4 विकास खंडों का चयन किया जाए और इन विकास खंड के दूरस्थ विद्यालयों तथा पूर्व निरीक्षण अभियान में छूटे हुए विद्यालयों का निरीक्षण भी अवश्य कराया जाए। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निरीक्षण के दौरान निरंतर अनुपस्थित पाए जाने वाले अध्यापकों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त निरीक्षण अभियान के फलस्वरूप सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए थे, किंतु विगत माहों में शिक्षकों और छात्र छात्रों की उपस्थिति और विद्यालय संचालन में शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता में कमी परिलक्षित होने की स्थिति संज्ञान में आ रही है। विद्यालयों के निरीक्षण और कार्यक्रम का अनुसरण नियमित एवं सतत प्रक्रिया है, जिसकी ओर निरंतर आपका ध्यान होना चाहिए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 13/3/2023 से 31/3/2023 के मध्य सभी जनपदों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। विद्यालयों में छात्र छात्राओं और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होने वाले नवीन शैक्षिक सत्र हेतु पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति की स्थिति, मध्यान्ह भोजन योजना से आचार्य शासकीय विद्यालयों के साथ साथ सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का प्रतिदिन भोजन का वितरण, नामांकन के सापेक्ष MDM पंजिका में प्रविष्टियों का अंकन एवं दैनिक अनुसरण प्रणाली IVRS पर दी गई सूचना में एकरूपता का परीक्षण। सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन योजना से आचार्य छात्र छात्राओं हेतु विगत 6 माह में उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का अभिलेखीय परीक्षण करने के साथ साथ विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से भी, इसके साथ साथ ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में स्वच्छ जल, शौचालय, मूत्रालय, दिवांग शौचालय का निर्माण, टाइलीकरण, सबमर्सिबल पंप की उपलब्धता, विद्युतीकरण आदि। विद्यालय में निपुण भारत मिशन की गतिविधियों का संचालन। उपर्युक्त विद्यालयों के निरीक्षण के उपरांत निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा आख्या अनिवार्य रूप से प्रेरणा निरीक्षण मॉड्यूल पर ऑनलाइन अपलोड की जाए। प्रतिदिन की सूचना गूगल शीट पर प्रतिदिन भरकर मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और जिला विषय अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए और जनपद और मंडल की संकलित सूचना 31/3/2023 को अनिवार्य रूप से ईमेल ID दी गई है पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 13/3/2023 से 31/3/2024 की अवधि में निर्धारित विशेष निरीक्षण अभियान को प्रभावी बनाने हेतु व्यक्तिगत ध्यान देते हुए अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा। कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। तो ये आदेश दिए हैं विजय किरण आनंद, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा है। तो साथियों, 13/3/2023 से 31/3/2023 तक इस दौरान परीक्षाएं भी होंगी, आपको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको समय से विद्यालय पहुँचे और विद्यालय को समय से पहले बिल्कुल भी न छोड़े, क्योंकि निरीक्षण होगा और निरीक्षण में अगर किसी की भी अनुपस्थिति पाई गई तो कठोर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए समय का ध्यान रखें। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।